तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस टाइप की वीडियो एक शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और वहाँ पर बताता हूँ इस टाइप की वीडियो आपको कैसे एडिट करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। वीडियो का आई तरफ लेकर आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। सेकेंड टाइम हम यहाँ से चलने का स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पर आना है, यहाँ पर 0.5 कर देना है। यहाँ पर आपका स्लो मो आ जाएगा। इस वीडियो को लास्ट वीडियो जहाँ से हम स्लो मो स्टार्ट करते हैं उससे कुछ 1 से 2 सेकंड पहले आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद मैंने एक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। क्रोमा की पे आना है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से आपको क्रोमा की को एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद डन करना है, इस पर क्लिक करना है, और इस तरह से इसे आपको जूम कर कर सही से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद ब्लेंडिंग में आना है, और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे वीडियो तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट को पे क्लिक करना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रेक आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको आइडियो भी मैच हो चुका है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड है, साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे आना है। यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और हमारा वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुका है।